पता है आपके पैन कार्ड के नंबर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम सब जानते हैं पैन कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गया है, जिसे लोग अपने साथ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नंबर पर इंस्क्राइब 10 डिजिट के नंबर्स का क्या मतलब होता है? पैन कार्ड हमारे डॉक्यूमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये एक आईडी का भी काम करता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो सैलरी पाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड पर बर्थ डेट के नीचे एक नंबर लिखा होता है। ये 10 डिजिट की एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आइए आपको बताते हैं आपके पैन कार्ड में मौजूद इन अल्फा न्यूमेरिक नंबर की और क्या खास मायने हैं और इनमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पैन कार्ड के जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेटिक सीरीज है। ये जो अल्फाबेटिक सीरीज है, इसमें इंग्लिश के कोई भी 3 इंग्लिश के लेटर्स आ सकते हैं, AAA से लेकर ZZZ के बीच में। जो चौथा लेटर होता है पैन कार्ड का, वो शो करता है स्टेटस, वो भी इनकम टैक्स पेयर का। अगर आपको नहीं समझ आया तो सपोज अगर पी लेटर है चौथी जगह पर, तो ये दिखाता है कि ये पैन कार्ड है जो वो पर्सनल है, यानी कि ये एक पर्सन को बिलोंग करता है। अगर इसकी जगह एफ लेटर होता तो वो दिखाता कि ये नंबर किसी फर्म को बिलोंग करता है। ऐसे ही जी दिखाता है कि ये गवर्नमेंट का है, एच हिंदू फैमिली, सी कंपनी और एल लोकल को बिलोंग करता है। वहीं पर जो फिफ्थ डिजिट है पैन कार्ड की, वो एक इंग्लिश लेटर होता है। ये पैन कार्ड होल्डर के सरनेम का पहला लेटर होता है। सपोज अगर किसी पैन कार्ड होल्डर का सरनेम शर्मा है तो फिफ्थ डिजिट उनके एस होगा। फिर आपके सरनेम के फर्स्ट लेटर के बाद 4 डिजिट्स और होते हैं। ये जो नंबर होता है वो 00001 से लेकर 9999 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर दिखाता है कि उस समय कौन सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा था। अब अगर आखिरी डिजिट यानी कि 10 डिजिट की बात करी जाए तो वो एक इंग्लिश लेटर होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ये एक अल्फाबेट चेक डिजिट होता है और ये ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी हो सकता है। उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा कि आपके पैन कार्ड के नंबर क्या दिखाते हैं और उनका क्या मतलब है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।